जमशेदपुर को क्लीन एंड ग्रीन सिटी का दर्जा दिलाने की पहल आर्मी के जवानों ने की है। इसके लिए निजी संस्था भी मदद कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। जमशेदपुर में पीएम के स्वच्छ भारत मिशन और झारखंड की संस्कृति को प्रमोट करने का काम एक साथ चल रहा है और ये काम कर रहे हैं आर्मी के जवान, जिसकी शुरुआत सोनारी आर्मी कैंप से की गई है। जिन जवानों के हाथ में हथियार सजते हैं वो आज पेंटिंग ब्रश पकड़कर कलाकारी कर रहे हैं। सोच ये है कि दीवारें साफ दिखें, साथ में पेंटिंग के सहारे झारखंड की कला का प्रमोशन भी हो। ये इलाका थोड़ा पहले काफ़ी जंगल झाड़ और वो रहता था, थोड़ा गंदा था, तो उसको हमने क्लीन करके ब्यूटिफिकेशन भी है। हाँ, वो तो हो ही रहा है, तो बट दोनों है, मतलब स्वच्छता अभियान भी है और आर्ट, लोकल आर्ट को भी प्रमोट कर रहे हैं हम लोग। अभियान को सफल बनाने के लिए प्रोफेशनल्स का भी सहारा लिया जा रहा है और इसी का नतीजा है कि शहर के जिन दीवारों के किनारे लोग शौच करते थे वो अब सेल्फी लेने के लायक बन गई हैं। सर, जैसे कि हमारा झारखंड का जो ट्रेडिशन है सर, ये कहीं ना कहीं चुप गया है, नहीं दिखता है, तो हमारा भी एक रहता है कि अपनी कला के जरिए इसको दिखाए, हम लोग लोगों तक पहुंचाए, तो जिसमें नीरज सर का भी बहुत बड़ा हाथ है जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। फिर से एक बार जमशेदपुर शहर को क्लीन एंड ग्रीन सिटी का दर्जा दिलाने के लिए आर्मी के जवानों ने तो हथियारों के साथ ही पेंटिंग ब्रश थाम लिया है। क्या आप भी अपने शहर को स्वच्छ बनाने के लिए कुछ अनोखा करेंगे? ईटीवी न्यूज के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी की रिपोर्ट।